lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. But not in Jurassic Park. अगर आपने KGF देखी है तो पार्ट टू का एक युवा लड़का याद होगा जो रॉकी भाई को अपना आदर्श मानता था। माँ के इनकार करने के बावजूद वो पुल पर पहरे के लिए जाता है और वहाँ उसका अधीरा से सामना होता है। हम बात कर रहे हैं सरन शक्ति की। 26 साल के सरन ने यूं तो कई फिल्में कर ली हैं, लेकिन KGF उनके करियर के लिए खास बन गई थी। यही कारण है कि अम्बे प्रशांत लिए की अगली फिल्म में नजर आएंगे। इस बार उन्हें ब्रांड प्रभास के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिल्म KGF को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है और इसमें यश ने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म के दूसरे सभी कलाकारों का काम भी दर्शकों को पसंद आया था। अब प्रशांत अपनी अगली फिल्म सालार लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में KGF पार्ट 2 के अहम किरदार सरन शक्ति भी अहम किरदार निभा रहे हैं। 400 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। सरन शक्ति का जन्म 5 मई 1997 को चेन्नई में हुआ था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने साल 2013 में कडल फिल्म से डेब्यू किया था। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद साल 2018 में आई वादा चेन्नई से उन्हें खूब नाम मिला। 2019 में सरन ने पहली लीड भूमिका वाली फिल्म सागा की। KGF 2 में अधीरा की एंट्री और KGF को बचाने की रॉकी भाई की कवायद के बीच सरन का कहानी में खास रोल था। फिल्म के बाद उन्हें खूब प्रशंसा मिली थी। सरन ने KGF में अपने काम से दिल जीता था। ऐसे में प्रशांत नील ने प्रभास की खास फिल्म सालार में भी सरन को खास किरदार दिया है। यह साफ हो गया है कि दोनों फिल्मों में जरूर कोई कनेक्शन है। इसके अलावा दुलकर सलमान की फिल्म किंग ऑफ कोठा में भी सरन अलग किरदार में दिखेंगे। आपको दोनों फिल्मों का कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।